प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक गौरीशंकर बिसेन के वायरल वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं। गुलाबी गैंग की कमांडर का कहना है कि 25 जून को थाना चंदवाड़ा में शिकायत करने के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बिसेन ने बालाघाट में कार्यक्रम के दौरान एक नाबालिग से शर्मनाक हरकत की थी, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये इनके संस्कार हैं कि बेटियों को ऐसे छुआ जाता है। ये फोटो झूठ नहीं बोलती, ये मैंने इसको उठाया है, ये तस्वीर अभी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। कहाँ गया वो, दीजिएगा। ये तस्वीर मैं आपको अभी दे रही हूँ, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मैं तो बोल रही हूँ, अगर वो निर्दोष थे या निर्दोष हैं तो आज कितने दिन हो गया, लगभग 15-16 दिन हो गया है। वो परिवार को लेकर क्यों नहीं बैठे? वो बोलते हैं बालाघाट का लोग मेरा परिवार है, वो बोलते हैं उक्त संदर्भ में ये जो लड़की का विषय है वो मेरा परिवार है, तो लेकर आ जाए ना अपनी नातन को सामने और बोले कि वो परिवार सुरक्षित है। मैं तो उसके परिवार की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा कर रही हूँ कि उसका परिवार गायब तो नहीं कर दिया गया। भाई इतने ताकतवर लोग हैं सत्ता में, उसके परिवार को गायब तो नहीं कर दिया गया। मैं तो मांग करती हूँ शासन प्रशासन से, मैं मांग करती हूँ गौरीशंकर बिसेन जी से कि अगर वे निर्दोष हैं तो उस परिवार के साथ मध्य प्रदेश भोपाल की राजधानी में बैठे उस परिवार को लेकर के, जिस तरीके से पैर धो धोकर अपने पापों को धोने का प्रयास कर रहे हैं, एक और पाप धोने के लिए उस बच्ची को भी लाएं जो देवी स्वरूप, हमारे देश में बच्चियों को देवी माना जाता है, तो लाएं ना। उसकी सुरक्षा पर जो सवाल खड़ा है उसे मिथ्या साबित करने